असीं भाजी प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी की दिशा निर्देशों हेठ जां उन्हां दी अगवाई दे थले मतलब यह फैसला किया सी वी मोरावाली विखे माता विद्यावती जी की याद दे विच जिहड़ी यादगार बनाई गई आ उत्थे यह यादगार कल्ली माता जी की याद दे विच नहीं सारे शहीदां दीआं याद दे विच है ते उस स्थान ते जाके यह समागम किया जाए इसलिए अज आप सारे इतने एकत्र होए हाँ। तो प्रोग्राम शुरू करने लई सब तो पहले मैं प्रधानगी मंडल दे विच प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी जिहड़े कि जमहूरी अधिकार सभा पंजाब दे जन सकत्तर ने उन्हां नूं गुजारिश करांगा कि वो आन ते सीट ते विराजमान होण। इस तों बाद प्रगतिशील लेखक संघ दे जन सकत्तर प्रोफेसर सुरजीत जा जी ने भी गुजारिश है कि वो भी आके बैठन। तो केंद्रीय पंजाबी लेखक सभा सेखों दे जन सकत्तर सॉरी सीनियर मीत प्रधान जी प्रोफेसर संधु बरियानवी जी ने गुजारिश है कि वो भी प्रधानगी मंडल दे विच बैठन। प्रधानगी मंडल दे विच साडे कोल प्रोफेसर कुलदेव सिंह बल्ली जी ने आना सी कुछ अणचाहे मतलब जिहड़े आ कारण हो गए उन्होंने घरेलू कामकार दे विच जिहड़ा उलझना पै गया वो आ नहीं सके। साडे कोल अमरीका तो साडे बहुत प्यारे दोस्त ते पंजाबी दे प्रसिद्ध पत्रकार कालम भी अशोक भौरा जी आए ने असीं उन्होंने गुजारिश करते हैं कि वो भी प्रधानगी मंडल दे विच बैठन। इस तरह साडी अज दे इस समागम दे विच शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी दे परिवार दे विचों उन्हां दे भतीजा अभय संधु जी दी उन्हां दे साथन तेजविंदर कौर संधु वो इत्थे आए ने असीं उन्हां नूं भी गुजारिश करते हैं कि वो भी प्रधानगी मंडल दे विच प्रधानगी मंडल च बैठो जी आप आ जाओ तुसीं कोई गल नहीं बैठो बैठो। तो अज दे समागम दे विच जिहड़ी गल्लबात करनी आ वो साढ़े को दो बुलारे ने एक प्रोफेसर अरविंदर कौर काकड़ा जी जिहड़े कि पटियाला तो हैं उन्होंने गुजारिश है कि वह भी प्रधानगी मंडल के आ जाए आ जाए। तो दूसरे बुलारे साढ़े हो गए सुमेल सिद्धू जी वो भी आ रहे हैं वो मोगा तो आ रहे हैं ढुडीके तो लेट हो रहे हैं तो जिमें भी आते हैं असं उन्होंने प्रधानगी मंडल में बिठावे। तो इस समागम करा जड़ा माता विद्यावती वेलफेयर ट्रस्ट मोरावाली जिसके सरकर्दा आगू जंगलियर ट्रस्ट के मुख सेवादार जोड़े ने वो मास्टर सरवण सिद्धू जी ने इन्होंने पिछे 2 अक्टूबर में जो असी फंक्शन किया खड़खड़ कलां विखे उदों इन्होंने सेवा मंगी सी कि सानू जिहड़ा सेवा करन दा मौका दिओ वी असी समागम करना। इन्हां दी इच्छा दे अनुसार असी प्रगतिशील लेखक संघ वल्लों अज दा इह समागम इत्थे रख्या है। तो इसलिए प्रोग्राम शुरू करन तो पहले ही मैं सब तो पहला गुजारिश करांगा मास्टर जिहड़े कि बीओ रिटायर हो चुके ने सरवण सिद्धू जी वो आन स्टेज पर तो आए हुए मेहमानों जी आया गया सरवण सिद्धू जी मंच से विराजमान साढ़े बहुत ही सत्कारयोग भगत सिंह परिवार नाल अपना नाता रखने वाले साढ़े हरमन प्यारे प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी उन्होंने नाल प्रधानगी मंडल में बैठे क्योंकि मैं सारे का नाँ तो नहीं जानता उन्होंने सारे अज इस साल बैठे देख के बहुत ही खुशी महसूस करता हाँ। मेरी ये दिली तमन्ना सी कि शायद दोस्त जिस तरह मैं खटकनी किया सी कि इत्थे पुजन जिस तरह सरकारां जिहड़ियां हन इन्हां शहीदां नूं अनगौलियां करदियां आदरता की करना शहीदां दा अनादर करदियां तो थोड़े सारे शायद दोस्तां मुरे ये बेनती सी
कि तुसीं आओ, जिन्हें भी साढ़े साहित्यकार ने वो देख आ के इन्हों ते सरकारां दे थोड़ा जिहा कन्न खोलन कि इन्हां दा जिहड़ा आ जिस तरह तुसीं वोटां वेले इन्हां नूं वरतदे हो। तुहानूं सारिआं नूं पता कि ज्ञानी जैल सिंह जी ने पंजाब माता दा खिताब दे के राष्ट्रपति दी अहुदे तक पुज्जे सी। इहो जी शक्ति है जिहड़ी राष्ट्रपति दे अहुदे दिलाउंदी है। सो मैं तुहानूं सारिआं नूं इह बेनती करांगा कि तुसीं इस समारक नूं संभालना है, इहनूं बना के रखना तां कि असीं इत्थे इस तरह के जश्न मनाते रहिए, उन्हां दीआं यादां नूं ताज़ा करते रहिए, उन्हां दे जो रिश्तेदार ने उन्हां नूं इत्थे बुलाते रहिए। तुहानूं सारिआं नूं इत्थे बुला के प्रसन्नता जिहड़ी आ उह हुंदी है। मैं फिर दुबारा तुहाडा सारिआं दा इत्थे अज दे समागम च पुज्जण ते तहे दिलों धन्नवाद करदा हाँ। साडे विच साडे वकील साहब जसवीर जी भी आए हुए ने, उन्हां नूं वी कहांगे वह भी अगे आ जाण, अगे आ जाओ। कोई कुर्सियां पईआं बहुत कुर्सी लो कोई तो इस करके मैं फिर दोबारा थोड़ा सारे बेनती करनी है कि मैं तो एक सेवादार के तौर पर 2008 तो मनमोहन सिंह जी का बहुत धन्यवादी हाँ। साडे बहुत ही सत्कारयोग प्रधानमंत्री जिन्ह ने मेरी एक छोटी जी दरखास्त इस स्थान के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर किए, उन्हों की देन मैं तो कभी नहीं भुला सकता। बाकी पिंड वाले कोई याद रखन जा ना रखन, अज तक ना साढ़े पिंड च किसी ने दवानी लवाई है ना लगनी है। मैं 5 करोड़ रुपया इत्थे लवाया, 2008 तो मैं सेवा लगा होया। मेरे लिए मंदिर मस्जिद गुरद्वारा चर्च यही है, मैं इत्थे आना इत्थे सेवा करना। तो थोनों सारिआं नूं फिर बेनती करांगा, तुहाडा इत्थे आउण ते बहुत बहुत धन्नवाद भी करदा हाँ, बेनती करदा हाँ कि तुसीं जदों भी कितें जाओ इस समारक की चर्चा करो कि इहनूं संभालण वाली कोई सरकार नहीं, सेंटर सरकार बना के छड गई, उहनूं मुड़ के पुछिआ नहीं। इत्थे सैर सपाटा विभाग पंजाब वाले आउंदे रहे, विच करोना आ गया, उहनूं मुड़ के बात नहीं पुछी। सो मैं तुहानूं जिहड़ा है तुहानूं सहारा जाण के तुहाडे मूहरे बेनती करदा, तुसीं सारे मिल के हमला मारो, क्योंकि साडे जिले की यह सब तो वधिया जे कोई चीज़ है तो माता विद्यावती समारक है। जिला हुशियारपुर दे विच इस तरह की कोई चीज़ देखने को तुहानूं नहीं मिलेगी। सो मैं थोड़ा बार बार फिर धन्यवाद करना हाँ प्रधानगी मंडल का, सारे स्रोते वीर का, शहर का, तुसीं इत्थे आए हो, थोड़ा बहुत बहुत आउण ते जी आया, धन्यवाद। बहुत बहुत मेहरबानी सरवण सिद्धू जी। साड़ी अज की इस सभा दे विच जिवें उन्होंने नाल आए एडवोकेट जसवीर सिंह राय जी भी हाजिर ने, भावें वो घर्षण करेंदे ने अपने कीमती समय चो समा कढ़ के अपने जद्दी पिंड दे विच आए ने, ते साडा भी उन्होंने माण वधाया, ते सानूं बड़ी खुशी है कि साडे इस समागम दे विच जिथे जसवीर सिंह राय जी ते होर भी पिंड दे पतवंते सज्जन बैठे हुए ने, ते सारा उपराला जिहड़ा मास्टर सरवण सिद्धू जी ने कीता है। ते हुण मैं अज दे समागम दे जिहड़े साडे बुलारे ने प्रोफेसर अरविंदर कौर काकड़ा जी, जिहड़े कि समाणा विखे कॉलेज दे विच प्रोफेसर ने, वो शहीदां दे परिवारां वल्लों मूवमेंटां दे विच कीड़ियां दिक्कतां दा सामना कीता जांदा है, ते उहनां नूं सानूं किवें याद करना चाहिए, उहनां दी असीं की मतलब याद नूं ताज़ा करन लई की सानूं उपराले करने चाहिए आ, ये विचार सांझे करनगे प्रोफेसर अरविंदर कौर काकड़ा जी। अरविंदर कौर काकड़ा जी जिहड़े पिछले 1 साल तो किसानी घोल चल रहा है, उस किसानी घोल दे विच औरतां दे विचों वध चढ़ के औरतां नूं जथेबंद करन दे विच, ते आप खुद दिल्ली दे बार्डरां दे उत्ते जदों भी इन्हां दा एक पैर जिहड़ा है कॉलेज दे विच हुंदा है, कॉलेजों छुट्टी हुंदिआं इह दिल्ली दे विच पहुँच जांदे। अरविंदर कौर काकड़ा Thank you.
सत्कारयोग प्रधानगी मंडल ते मेरे सामने बैठे हुए दोस्तों, सब तो पहला मैं धन्यवाद करती हाँ प्रगतिशील लेखक संघ ते माता विद्यावती वेलफेयर ट्रस्ट का, जिन्होंने एक बहुत ही सोहना सार्थक बुलवार उपराला किया जिसके तहत असी अपनिया मावां नूं जिन्हों का एक खास योगदान हैगा समाज के विच उन्हां नूं असी याद कर रहे हैं। ते खास तौर पर जो मैनूं एक सुनेहा मिलिया तां उदों पहला मैं दो चित्ती च सी, कारण यह सी कि कॉलेज में छुट्टियां भी खत्म हो चुकिया ने, प्रिंसीपल नूं कहना पएगा। दूसरा मैं सोच लग गई जो पता सी लग्या कि यह वह पिंड आ जिथे माता विद्यावती ने जन्म लिया ते जिसका बेटा एक चिराग बन के एक राह दसेरा बन के हमेशा ही लोग भोलां दे विच चाहे अज जिवें घोल मगे होया किसान संघर्ष अंदोलन मोर्चा चाहे वह पंजाब विच होवे चाहे वह बार्डरां ते होवे माता दा पुत हमेशा ही साडे नाल ही ते साडे वास्ते वह राह दसेरा बन रहा, पहला भी बनता रहा हुण भी बन रहा ते आउण वाले समें दे विच इहो जी माता जिसने इहो जे चिराग नूं जन्म दिता उस धरती ते नमस्कार करना तां साडा फर्ज बनता ही है ना। ये सोच के क्योंकि अज मेरे ताई जी की बरसी भी सी, पहली बरसी सी उन्हां दी, कोई बेटी नहीं है मैं ही उन्हां दी बेटी हाँ। तो रात मैं एक दबंध विच सी, एक पासे परिवार, परिवार भी दो किस्म के होंदे ने मैं वो गल करांगी, इको परिवार जिदे नाल साडे खून के रिश्ते जुड़े होंदे ने, इको परिवार जिदे नाल साडी एक विचारधारिक सांझ होंदी है जिहड़ा हर समय हर वेले साडे नाल सहाई होंदा, तो उहदे विच एक निर्णा लैणा मेरे लिए बहुत वड्डा सी ते मैं सोचिया नहीं मैं मोरां वाली जावांगी, उस धरती ते जावांगी जिस धरती दे विच उस माता ने जन्म लिया ते माता ने उस हीरे पुत नूं जन्म दिता जिसने सारे समाज सोहना समाज सिरजन वाले लोगों के वास्ते एक प्रेरणा स्रोत बनिया। मैं उत्थे बैठी वह फोटो देख रही सी तां मैनूं दो लाइनां याद आ रही सन कि अज भी इसे मौसम नूं उस गीत की तलाश है जो चेतिया च जागदा एक सुलग का एहसास है, पर अज ये सुलग का एहसास साढ़े कोल आ ते सानू अंदरों जिहड़ी आ एक हिम्मत मिल रही आ कि असी भगत सिंह दे राहां ते चलते हुए जिहड़ा है अपना कार्य कर रहे हैं। मैनू इस गल की भी बड़ी खुशी आ कि डॉक्टर जगमोहन होरां नूं असी बहुत बारी सुनते हैं, जदों असी इन्हां नूं खुद मिलते हैं तो सानूं खुद इस तरह एहसास हुंदा जिवें खुद असी भगत सिंह होरां नूं मिल रहे हैं। अज इस पिंड दे विचों आ उस परिवार नूं मिलना भी साडे लई बहुत वड्डी गल आ। सवाल इत्थे ये खड़ा हुंदा जिहड़े जिसके बारे में मैं अज अपनी गल रखांगी के लोग भोलां दे विच साडियां मावां साडे परिवार ते साडे सहयोगियां दा की योगदान हैगा। जिस समाज दे विच असीं रह रहे आ जे इस समाज दे विच इक कहानी बन, इस जबाती समाज दे विच कई तरह दे वितकरे चाहे वह आर्थिक वितकरे होण चाहे वह समाजिक वितकरे होण चाहे वह सभ्याचारिक वितकरे होण चाहे वह होर भी किसी तरह के वितकरे होण, वह असी हंडा रहे हैं। एक पासे वह जमात जिहड़ी लोगों के हक छीन रही आ, लोगों के उपर लगातार जुल्म कर रही आ, ते दूजे पासे उस जुल्म का मुकाबला करन दे लई भी इस धरती दे विच जन्म लै रहे लोग ने। शुरू तो जे इतिहास की गल करिए लोग कोल क्योंकि ये धरती जिहड़ी आ साडी पंजाब की धरती ला लो, इस धरती दे विच हमेशा ही इत्थों दे सूरमियां ने
जड़ी बगावती सुर दे विच सथापती दे विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की आ। मैं थोड़ा जिहा इतिहास तो शुरू करांगी कि जदों असीं सिख इतिहास की गल करते हैं, सिख फलसफे की गल करते हैं, सिख मूवमेंट की गल करते हैं, तो उहदे विच इक जिक्र आउंदा माता गुजरी का। उहदे विच इह कहा जांदा है कि माता गुजरी एक एहो जी बीबी सी जिसने अपने हथी अपने पोतियां नूं तोरिया, अपने पुत्र नूं प्रेरणा दित्ती ते अपने पति नूं तोरिया। वह जिहड़ा संघर्ष सी वह भी एक समंतवाद के विरुद्ध सी। गुरु जे आपां उस लड़ाई नूं देखिए, चाहे वह एक सिख बहादुरे वाली लड़ाई सी, पर उस विच एक बीबी का योगदान किड्डा वड्डा आ, जिसका पति शहीद हो चुका है, जिसका जिसनों घर के विचों निकलना पै रहा और किस तरह वो जुल्म सह रही है। उस औरत उस बीबी नूं असी हमें कदे नहीं भुल सकते। उस ही समय दौरान जिहड़ी मूवमेंट चली, लोग भोलां दी मूवमेंट नहीं कहांगी, समंतवाद के विरुद्ध, जागीरदारी के विरुद्ध, चाहे पीरी पीरी का संकल्प भी उहदे विच आउंदा हैगा, चाहे गुरु गोबिंद सिंह दी खालसा पंथ की स्थापना भी उहदे विच आउंदी आ, ते उस तो बाद बंदा सिंह बहादुर का दौर भी जिहड़ा आउंदा हैगा आ। उस समय दे विच जदों असीं वेखदे आ, क्योंकि समाज दे विच इक लोक उह हुंदे ने जिहड़े मोहरी बन के जथेबंद हो के अगे समाज की अगवाई करदे ने, पर जदों वो अगवाई कर रहा हुंदा साडा लीडर, साडा नेता, ते उस नूं अगवाई करन दे विच कई तरह के जिवें समाजिक जिहड़ी उहनूं सहायता की लोड़ पैंदी आ, मानसिक सहायता की लोड़ पैंदी आ, आर्थिक सहायता की लोड़ पैंदी है, परिवार के विच जिहड़ा माहौल हैगा वह भी उसनूं किस ढंग दे नाल प्रभावित करदा आ, ये बहुत वड्डी गल हुंदी आ। जे परिवार के विच इक सुखावां माहौल होवेगा तो मानसिक तौर पर लड़ाई लड़न वाला, समाज के विच इक सार्थिक सेध देण वाला एक चंगे ढंग दे नाल कम कर सकदा आ। ते उत्थे मां दा की रोल रह जांदा है, क्योंकि एक बच्चे दे विकास दे विच एक मां दा एक खास रोल हुंदा कि बच्चा दा सब तो पहली पाठशाला ही उहदी मां हुंदी आ, उहदी मां ही उहनूं सिखाउंदी आ, मां ही उहनूं दसदी आ, ते मां ही उहनूं पहली सेध दिंदी आ कि तू इस पासे जाणा। मैं भगत सिंह होरां दे बारे विच, सुखदेव होरां दे बारे विच, राजगुरु दे बारे विच और चंद्रशेखर आजाद होरां दे बारे जदों उहनां दी जीवनी पढ़ रही सी तां उहनां दी मावां दा किड्डा वड्डा रोल रहा आ कि उन्होंने अपने बच्चों नूं किस तरह एक सार्थिक सेध दित्ती। क्योंकि जरूरी नहीं हुंदा कि जथेबंदी दे विच भाई तुसी जाना आ, ये समाज का किरदार की आ, समाज दे विच लुट सुट क्यों आ। जदों मैं सुखदेव ते राजगुरु दी खास तौर पर पढ़ रही सी कि एक गरीबी आ समाज दे विच, गरीबी दे नाल असीं किस तरह सानूं जूझना पै रहा आ, की कुछ हो रहा आ, ये बच्चा अपनी माँ दे कोलों सिखदा आ। माँ उहनूं दसदी आ कि समाज विच किस तरह दीआं वड्डियां ने, उहदे दिमाग नूं तराशदी आ। ये साडे शहीदां दीआं मावां ने जिहड़ा हैगा उह साडे सामने, जिहड़े कई तरह दीआं घटनावां मेरे सामने पेश होंदियां ने। जदों असीं माता विद्यावती की गल करते हैं, क्योंकि माता शुरुआत दे विच कोई जथेबंदक लीडर नहीं सी, क्योंकि जिहड़ियां साडियां बीबियां ने तीन तरह की अगवाई की है लोक घोलां दे विच। पहलियां वह बीबिया जिहड़ियां एक जथेबंदक आगू बन के अगे आउंदियां ने, समाज दे विच बीबिया नूं लामबंद करदियां ने ते मूहरे आके लड़ाई लड़दियां ने, ते दूसरी श्रेणी विच वह बीबियां आउंदियां ने जिहड़ियां सहयोगी बनदियां ने अपने घरदियां दियां, अपने बच्चियां दियां, अपने पतियां दियां, ते होर ही समाज दे उन्हां लोकां दियां जिहड़े लोकां दे वास्ते लड़ रहे हुंदे ने, उन्हां दे वास्ते चाहे मुजारियां विच जांदियां ने, चाहे उत्थे नहीं कुछ बोलदियां पर उन्हां दी पूरी सपोर्ट करदियां ने। ते तीजियां बीबियां वह हुंदियां ने, मैनूं इह लगदा क्योंकि मैं इनकलाबियां दियां जिहड़ियां घर वालियां ने, मावां ने, उन्हां दे नाल मुलाकातां भी कीतियां, जिहड़ियां बीबियां ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ,
तीसरे पासे जे उन्हां दा पुत्तर जां उन्हां दा जीवन साथी समाज दे विच सत्ता दे विरुद्ध कोई बगावत कर रहा तां पुलिस दीआं वधीकियां वी सहिंदियां ने। पुलिस उन्हां नूं किवें आके तंग करदी आ ते ओह बीबियां दा त्याग किड्डा वड्डा होवेगा, वह बीबिया कि कुछ सहन कर दिया हो और किस तरह उन्होंने अपना एक दृढ़ इरादा बनाया होगा। जो भगत सिंह की आप गल करते हैं तो एक माता जिसका टोटल परिवार, क्योंकि भगत सिंह होर के परिवार की खासियत यह सी कि सारा ही परिवार जिहड़ा सी वह एक विचारधारिक परिवार सी, देश नूं आजाद कराउण की लड़ाई दे विच लगातार जूझ रहा सी, चाहे चाचा अजीत सिंह सी, चाहे भगत सिंह होर के पिता जी सी, चाहे भगत सिंह सी, ते माता जिहड़ी है चाहे सरगर्म रूप दे विच सामने नहीं आउंदे उस समय दौरान, पर माता ने अपने पुत्तर नूं इक इहो जी प्रेरणा दित्ती कि वह भी उन्हां रस्तियां दे उपर तुर पिया। एक बहुत सोहनी घटना याद आउंदी है कि जदों दविंदर दमन होरां ने नाटक लिखिया छिपण तों पहलां, ते वह नाटक जिहड़ा सी ना जदों उन्हां ने खेडना सी भवानीगढ़ दे कोल इक इलाके दे विच, ते आंटी ने उहदे विच इक माँ दा रोल अदा कीता, ते उहदे विच जिहड़ी माँ आ जदों भगत सिंह दी मुलाकात करन जांदी है ते माँ दी अक्खां विच हंझू आ जांदे ने, ते भगत सिंह कहिंदा माँ तूं इक शेर दी माँ आ, तूं क्यों रो रही आ। ते आंटी नूं असीं सवाल पुछिया उस टाइम असीं, क्योंकि आंटी नाल जदों गल कीती कि आंटी सच्ची मुच्ची भगत सिंह दी माँ रोई सी, क्योंकि भगत सिंह एक माँ का जिगरा जड़ा है कि माँ एक बच्चे को रस्ते से तोर भी रही आ, सारा कुछ कर रही है, उसके जिगर का टोटा आ और उसनों पता लग जाता है कि मेरा पुत्र एक फांसी से चढ़ रहा, माँ उसकी मुलाकात करन जाती है, उसके साथ गल्लां भी करती है, पर एक संवेदना है। तो कहते हैं गुरु नानक देव जी जो अपनी माँ को मिले से उदासिया तो बाद तो उनकी अखों में भी हंझू आ गए सन, पर माँ ने अपने पुत्र नूं कदे नहीं हटाया भी भाई तू इस रस्ते तो अटक नहीं। तो कई बार मावं बहाने बनाउंदियां ने भी मैं मर गई, जां किसे तरह बहाना बना के अपने पुत्र नूं वापस बुलाया जाए घर भी तू घर आ, तेरी माँ बीमार है, आ हो गया। पर उस माता ने अपने पुत्र नूं सगो प्रेरिया हैगा आ, उन्हें कदे भी इस चीज़ नूं तो नहीं रोकिया। इस तरह जे असीं दूजिया मावं की गल करिए, मैं कितने पढ़ रही सी कि उस माँ का जिगरा देखो, एक भगत सिंह उहदे लई पुत्र रही सी, उहदे लई राजगुरु भी उवें सी, उहदे लई सुखदेव भी उवें सी, माँ इस गल नूं जान चुकी सी। कहिंदे जदों भगत सिंह का जन्म होया तां उदों ही उन्होंने दादा जी ने पहचान लिया सी कि इह जिहड़ा हैगा इह देश तों कुर्बान होएगा। जगराओं दे विच भगत सिंह दा लुधियाने जगराओं पुल ते भगत सिंह दा जदों बुत लगाना लगाया गया कल्ले दा, एक माँ सी वह भी भगत सिंह दी माँ, क्योंकि उहदे च फर्क ही नहीं सी रहा, क्योंकि उहदे लई राजगुरु सुखदेव भी आवें सी कि वह नहीं चाहुंदी सी कि कल्ले मेरे पुत दा बुत लगे, वह कहिंदी मेरा पुत सोहना नहीं लगता, वह राजगुरु ते सुखदेव तो बिना एक कौन सोर सकता है, उही माँ सोर सकती है जिन्हें अपना जिगर का टोटा जिहड़ा देश दे उत्तों कुर्बान कर दिता होवे। इस तरह दियां एक दो चार कहानियां घटनावां जिहड़ियां मैं तुहानूं इहदे नाल जरूर सुनावांगी कि औरतां नूं किस तरह, क्योंकि जदों भगत सिंह ने घरों जदों इन्हां ने कई तरह के कांड किए अंग्रेज हुकूमत नूं सबक सिखाउण दे लई, चाहे सैंडरस नूं मारन दा सी सोचिया सी जदों मारिया गया जां बंब मारे जो भी जिथे भी होया, तां उस समें पुलिस दा घर विच छापा तां पैंदा होणा, माँ नूं की कुछ कहा जाता होना और ज़्यादा ही तंग किया जाता होना, पर माँ ने कभी भी सी नहीं सी उचारी। ये चीज़ सोचने वाली है, पर साडे इतिहास दे विच मावां दे रोल नूं ज़्यादातर इगनोर किया जाता है, ज़्यादातर सामने नहीं लिया जाता, जो कुछ जिहड़ा हैगा औरत नूं जिहड़ा है वह सहन करना पैंदा है। इस तरह जदों असीं गदरी बाबिआं दी कहानियां देखते हैगे आ, गदरी बाबिआं दी जिंदगी नूं सुणदे हैगे आ, तां उन्होंने मावं भी की कुछ सहन करना पिया। अच्छा, इस तरह का भी समाज के हैगा, क्योंकि मैं खुद एक इनकलाबी की पत्नी हैगी हाँ, तो बहुत सारे इनकलाबी जोड़े लीडर ने उन्होंने पत्नी
पत्नियां दे नाल उन्हां दे घर दे विच जाके गलबात करी दी है भी तुसी किद्दां महसूस करते हो। जदों कदरी बाबे जदों विदेश विच रोजी कमाउण जांदे ने, अपने परिवार नूं छड के जांदे ने, ते उस तों बाद जदों इत्थे आ के कदर मचाउंदे ने, तां उस समय करतार सिंह सराबे वर्गे दी जदों आपां गल करदे आ, असीं बाबा पूजा सिंह होरां दी गल करदे आ, असीं दुल्ला सिंह जलाला बहाद दी गल करदे आ, असीं गुरमुख सिंह ललतों दी गल करदे आ, असीं किसे वी होर जिन्ने वी कदरी ने असीं जदों उन्हां दी गल करदे आ, उन्हां दे परिवारां नूं देखदे आ, तां उत्थे इक गल बहुत ही ज़्यादा सामने आउंदी आ कि जे उन्होंने समाज दे विच ओह अगे आए, जे उन्होंने समाज नूं इक सार्थिक सेध दित्ती, तां किते ना किते उन्हां दे सहयोगियां दा वी मुख रोल रहा। करतार सिंह सराबा जदों इत्थे गदर शुरू कीता ते पुलिस नूं मगर पुलिस उन्हां दे मगर पै गई। ये नहीं हुंदा कि सहयोगी जिहड़े ने सिर्फ साढ़े घर दे ही हुंदे ने, सहयोगी हमदर्द तुहाडे आले दुआले दे लोक वी हुंदे ने, जिहड़े कि जदों तुहानूं कोई मुसीबत आउंदी आ ते उस समें तुहाडी किवें सहायता करदे ने, तुहानूं अपने घरां दे विच किस तरह रखदे ने, पुलिस तों किवें बचाउंदे ने, उस तों बिना जिहड़ी तुहाडी जरूरत हैगी है घोल दे वास्ते, उहदे वास्ते तुहाडी आर्थिक सहायता किवें करदे ने, तुहाडी मानसिक सहायता किवें करदे ने, इह सारा कुछ वी इक देखण दा सवाल हैगा। इहदे विच मैं इक गल होर कहना चाहांगी कि मूवमेंट दे वास्ते सिर्फ इक्को ही काम नहीं हुंदा कि असीं स्टेजा ते जाके लैक्चर देईए जां घर घर जाके मीटिंगा करिए, उस तों बिना भी लोकां नूं चेतन करन दा, जिहड़ा लोकां नूं सुचेत करन दा, लोकां नूं समझाउण दा इक वक्खरा तरीका लिटरेचर भी हुंदा। गदर लहर दे विच बीबी साडी गुलाब कौर ते सत्या देवी दा भी इक खास स्थान आ। इस तों बिना जिहड़ी साडी मैडम जिहड़ी श्रीमती फ्लोरेंस मजूदार, उस दा भी रोल इहदे विच रहा हैगा। पीसम कामा दा मेन रोल रहा, जिहड़ी विदेशां दे विच चाहे ओह जापान सी चाहे ओह फ्रांस सी, उत्थे भी जाके उहनां ने लोकां नूं किवें सुचेत कीता। सवाल इक औरत दा होणा कि औरत जे पकड़ी भी जांदी आ तां उस दे नाल कितना उहदी बेइज्जती कीती जाएगी, की कुछ कीता जाएगा। गुलाब कौर नूं 2 साल दी जेल जिहड़ी सी ओह जरनी पई, पर फिर भी उहने जिहड़ा अपना कम कीता, चाहे ओह बाद विच सरगर्मियां दे विच सिद्धे रूप विच आई आ, पहलां ओह सिद्धे रूप विच नहीं आई, पर असीं उहदे देर नूं वी कदे भुला नहीं सकांगे। इसे तरह होर भी बहुत सारियां जिहड़ियां बीबियां ने, दुर्गा भाभी दी जदों आपां गल करदे हैगे आ, जिहड़ी भगत सिंह दे नाल हर जगह ते, ओह वी किसे दी मां सी, अपने बच्चे नूं जदों इह कलकत्ते वल जांदे ने, जदों इत्थे सैंडरस नूं खत्म करके उधर लुकदे होए उधर नूं जांदे ने, तां इक मां दुर्गा देवी अपने बच्चे नूं भगत सिंह दी गोदी विच बिठा के इहदा बच्चा कह के उहदी पत्नी बन के इह दिखावा करदी आ। इहो जिहा कुछ वी सहणा साडियां बीबियां ने लोक भोलां दे विच बहुत वड्डी चीज़ हैगी आ। इस तों बाद ज्यों ज्यों घोल हुंदे गए, जे मैं समुचे रूप अज दी गल करां ते चैन सिंह चैन जिहड़े कि अपने देश भगत जादगरी कमेटी दे सरप्रस्त भी रहे ने, उहनां दा टोटल परिवार, टोटल जिहड़ा परिवार, चाहे उहनां दी वाइफ हैगी है शीला जैन, चाहे उहनां दी बेटी आ, को बेटी नूं भी उवें दी सिक्ख्या दित्ती हैगी आ कि उह पूरा ही लोक भोलां दे वास्ते समर्पित रहा आ। होर भी जिहड़े मैं इक दो एग्जैम्पलां जरूर देवांगी कि मैं अक्खी डिठी जिहड़ी गल है उह तुहानूं मैं दस्सांगी। दर्शन खटकड़ हो गई, दर्शन खटकड़ हो रही, लोक भोलां विच रहे ने, मैं उहनां दे घरां दे विच जा के अक्सर इह देखिआ आ कि उहनां दे पुत दी डैथ हो जांदी आ, इक जवान मुंडे दी डैथ हुंदी आ, ते अंकल बड़े अपसैट सीगे कॉमरेड दर्शन खटकड़, ते उहनां दी वाइफ सानूं कह रही आ अपने ना जिवें कहिंदे पत्थर धर के तुसीं खटकड़ नूं देखो, उहनां नूं कुछ ना हो जावे, उहनां ने अजे बड़ा कुछ कम करना आ। इक औरत दा इस तरह दा बन जाणा और इक बीमार दी हालत दे विच वी सारा कुछ घर रह के पति किते बाहर आ, कल्ले रह के जिंदगी जीवन अपना बसर करना, कई तरह दीआं
शरीरक समस्यावां, दुनियावी समस्यावां, परिवारिक समस्यावां अपने उपर जरनिया, ये भी बहुत वड्डी गल हैगी आ। ये साडियां बीबियां जिहड़ियां ने उह इक कर रहियां ने ते करदियां रहणगियां भी, जिन्हां दी लोक भोलां दे विच बहुत वड्डी समझ आ। मैं पिछे जे जगीर सिंह जोगा जिन्हां ने परजा मंडल लहर दे विच उन्हां दा इक खास नाम आया मानसा जिले दे विच, मैं उन्हां दे घर गई ते मैं उन्हां दे घर दीआं जिहड़ीआं बीबियां ने उन्हां नाल सवाल कीता कि जदों ये अंडरग्राउंड हुंदे सन जां जदों इन्हां दे अग्गे पुलिस पैंदी सी तुसीं अपने बच्चिआं नूं की दसदीआं सी? कई बार ऐ हो जांदा कि मावां बच्चों डराउण लग जांदियां ने, तुसीं ना इस पासे तुरियो जां तुसीं ये काम ना करियो, ये बहुत खतरनाक काम है, भी तुसीं अगों की दसदे सी? ते उन्हां दा जवाब सी असीं अपने बच्चों अपने शहीदां भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, करतार सिंह, सोहन सिंह भकना उन्हां दीआं कहानियां सुनाउणियां वा, उन्हां नूं प्रेरित करदियां वा कि भाई वेखो वह भी सन, उन्हां दीआं मावां भी सन, उन्हां दे परिवार भी सन, भी वह किस तरह देश के उत्तों जिहड़ी है वह कुरबानियां कर गए। ये सारा कुछ इस तरह तेजा सिंह सतंत्र। मैं एक छोटी जी होर एग्जैम्पल तुहाडे नाल जरूर सांझी करांगी क्योंकि मैं व्यवहारिकता व्यवहार नूं मुख रख के अपनी गल कर रही हाँ कि तेजा सिंह सतंत्र जदों मजारा लहर शुरू हुई आ ते उस समय की गल है क्योंकि मालवे के खिते दे विच इस लहर का काफ़ी जोर सी, जदों पटियाले रजवाड़ाशाही दे नाल इन्हां दी पूरी जदों लड़ाई सी तां उस समय साडी जान पहचान दे जिहड़े बापू जी सी उन्हां दे ड्राइवर होया करदे सी, बापू जी नूं तां मैं मिली नहीं हैगी पर उन्हां दा जिहड़ा अगो पुत सी उह दस्सिया करदा कि मेरी माँ किस तरह जदों ये रूपोश हुंदे सी, जदों इन्हां पिछे पुलिस हुंदी सी, जदों किते टिकाणे ते लुकदे सी ते साडी माँ किस तरह रोटियां बना के लै के जांदी ते उहदी सस को डांटिया करदी भी तूं तेरा की मतलब है, ते उहने कहना असीं उस दी विरासत हाँ, असीं भगत सिंह दी विरासत हाँ, असीं करतार सिंह दी विरासत हाँ, जिहड़ियां बीबियां जिहड़ियां गुलाब कौर दी विरासत हाँ सी, असीं माई भागो दी विरासत हाँ, जिहड़ियां जिन्हां ने अपनी सारी जिंदगी जिहड़ी है लोक हितां दे वास्ते कुरबान कर दित्ती। बहुत सारिया उदाहरणा ने इस समाज के साडे सामने आउंदियां हैगियां। असीं बिमला डांग ते सतपाल डांग नूं भी वेख सकते हैं कि उन्हां दे परिवार ने उन्हां दी वाइफ ने किस तरह सहयोगी बन के भी बल्कि मोहरी होकर भी लोक भोलां दे विच जिहड़ा हैगा उह हिस्सा पाया है। इस चीज़ नूं जे मैं समकाल दे नाल जोड़दी हाँ, गल कही गई सिर्फ कि बहुत जिहड़ा अज किसानां दा संघर्ष चल रहा जो असीं देख रहे हैं लगातार सिंघू बॉर्डर दे हुण करके, असीं उत्थे बीबियां नाल जदों गल करते हैं ना एक अनपढ़ बीबियां दे नाल भी तुहाडा की मकसद है कि कल्ली जमीन तुहाडे हत्थों जा रही है? ये जरूरी नहीं है कि उत्थे उही लोग बैठे ने जिन्हां दी जमीन आ, कुछ लोग दूसरे भी ने ते बहुत जवाब पता की दिंदियां ने, असीं गुलाब कौर दी वारस हाँ, असी दुर्गा भाभी की वारस हाँ, असी बाई भागो दारस हाँ, लै साडी विरासत भगत सिंह वर्गे हस के फांसी का फंदा चुम गए, उन्होंने सानू दस्या आ पूरे का पूरा परिवार जिहड़ा हैगा लोक भोलां दे विच बैठा होया। एक तुहाडे इलाके का मैं बापू का जिक्र जरूर करांगी, उहदी पिछे जो डैथ हुई आ नवां शहरियां दे लंगर दे विच बापू हुंदा सीगा ते वह लगातार उत्थे रहा ते वह की करता, उहदी आदत हुंदी सी कि जदों शाम पैणी ते बीबियां नूं कोल बिठा लैणा, बीबियां नाल इदां ही लोक संघर्षां दीआं गल्लां करनियां और बीबियां नूं दस्या भी करना भी भाई तुहाडे घर दे आए ने तुसीं पिछे रहिंदियां जे, जां जिहड़ा परिवार पिछे रहिंदा उह किद्दां महसूस करदा आ। ते उहदे विच ना इक बड़ी ही खूबसूरत गल क्या करदा सी, मेरे अजे भी उह गल उस तरह है, बापू नहीं रहा, उहने एक गल क्या करनी भी जे अज असीं जिउने आ, जे साडियां धीआं भैणां मावां अज जी रही ने अपनी समाज के कोई स्पेस बना रही ने तो वो पिछे साडी लोक भोलां का बहुत वड्डा इतिहास है, बहुत वड्डा इतिहास है। इसलिए समाज के जो असी विचरना आ लोक भोलों के विचरना आ तो उस समय एक बंदा जिहड़ा जथेबंदक होकर आगू की अगवाई कर रहा उस तो जिहड़ियां साडियां बीबियां ने उन्हां दा त्याग भी मैनू लगता बहुत वड्डा आ।
सवाल इतने बहुत वड्डा आ जाता। अज तुम बहुत वधिया उपराला किया कि एक बीबिया साड़िया शहीदां दीआं मावां नूं मान दे रहे हो, पर हो की रहा साडे समाज दे विच औरत दे काम नूं कोई तरजीह नहीं दित्ती जाती हैगी। उह जे उसदा पति जां कोई लीडर जां को किते लोक भोलां दे विच अगे मूहरे होके अगवाई कर रहा है तां उसदे बराबर उह घर बैठी आ, अपने बच्चों को समझा रही आ, बच्चों को ठीक सार्थिक सेध दे रही आ, उसके नाल वो घर दिया सारिया जिम्मेवारियां निभा रही आ, दुख तकलीफ सह रही आ, खेतों के विच भी काम कर रही आ, पर उसके काम नू साडी सोसाइटी क्योंकि पितृ की समाज हैगा इस दे विच औरत दे देन नू अणखोलिया कीता जाता आ। मैं एक जीवनी पढ़ रही सी तेलंगाना दी, लड़ाई दे विच बीबियां मूहरे आईयां, वो लड़ियां भी, लड़न तो बाद जदों घरां विच गईयां फिर ओही गल उत्थे उत्थे कु तक जाके उन्हां नूं सीमित कर दिता गया कि भाई ये तुहाडी जिम्मेवारी आ, तुसीं सिर्फ घर दे कम्मां तक ही सीमित रहना आ। सवाल ये है कि साड़ी औरत दे काम नू क्यों अणगोलिया कीता जांदा, साड़ी औरत दे देन नू क्यों नहीं ये समझिया जांदा, ये साड़े समझन दा सवाल है। जिहड़ा ये उपराला कीता गया कि एक बीबियां नू मान देन दा, एक मावां नू मान देन दा, मैं कहिंदी आ सिर्फ इत्थे ही नहीं, इस हर जगह ते होना चाहिए। हर जगह दे उपर मावां नू साड़ियां धीआं नू साड़ियां भैणां नू बराबर दा जिहड़ा हैगा उह मान मिलना चाहिदा आ। इत्थों मैनूं इक होर गल चेते आ रही है, ओह ये है जिवें कहिंदे हुंदे ना जन्नी जने तां भगत जन, ज्यादा ताजा सूर नहीं तो जन्नी बांध रहे काहे गवावे जी। सवाल ये है कि इस किसान अंदोलन ने इस मूवमेंट ने साडियां बीबियां नूं एक स्पेस प्रदान कर दिती आ। एक पासे वह बीबियां जिहड़ियां अगे आके अगवाई कर रहीआं ने, औरतां नूं जोड़ रहीआं ने, एक पासे वह बीबियां जिहड़ियां अपने पतियां तों जाण तों बाद खेतां विच कम कर रहीआं ने, कि असीं उहनां दे कम नूं घटा के देखांगे? बिल्कुल नहीं, उन्हां दा भी उस अंदोलन दे विच बराबर दा ही योगदान हैगा आ। ते कई वारी की हुंदा है आपां कहिंदे आ कि लोक भोलां दे विच साडे सहयोगियां दा की देण आ, सहयोगी जिहड़े ने औखी घड़ी दे विच उह तुहाडा जिहड़ा हैगा सहारा बणदे ने, उह तुहानूं उस समें तुहाडी पूरी सहायता करदे ने, उह भी हुण भी हो रिहा। हुण किसान अंदोलन दे विच जिहड़े लोक घरां विच बैठे ने उह पिंडां दे विचों राशन इकट्ठा करके फंड इकट्ठा करके जां लोकां नूं इकट्ठा करके ट्रालियां भर के बार्डरां ते भेज रहे ने, असीं उहनां दे देन नूं भी नहीं भुला सकदे, उहनां दे देन नूं भी उसे तरह बरकरार सानूं रखणा पवेगा। बड़ी खुशी की गल आ क्योंकि कल मैं कॉलेज दे विच बैठी अपनी एक फ्रेंड दे नाल गल कर रही सी कि तू भगत सिंह दी मदर बारे जानती आ, राजगुरु दी मदर बारे जानती आ, सुखदेव दी मदर जिहड़ी के सुखदेव 3-6 साल दा सी तो उहदे फादर दी डैथ हो जाती है तो उहदी माँ नूं किवें पालदी आ, राजगुरु 3 साल दा सी तो उहदे फादर दी डैथ हो जाती आ तो उहदी मदर उसनूं किवें पालदी आ। क्योंकि इस तरह नहीं आउंदा हैगा कि समाज दे विच जो वर्तारा है वह भी बंदे दे विकास दे विच योगदान पाउंदा, घर दा माहौल भी उसके उपर जिहड़ा हैगा योगदान पाउंदा हैगा, तो बंदे दी खुद चेतनता जिहड़ी है दिमाग जिहड़ा है वह भी इस दे विच योगदान पाउंदा, तिन्नां दा पूरा समेल हुंदा आ। तां साडे लई इह सवाल उठाउणा पवेगा, इह करना भी पवेगा। अज सुजीत जज होरी बैठे ने, संधू होरी बैठे ने, मैं इहनां नूं भी इह गल कहांगी कि जिहड़ियां साडियां शहीदां दीआं पत्नियां ने जां जिहड़े साडे लोक भोलां दे नायक ने, उहनां दीआं मावां ने, उहनां दीआं पत्नियां ने, उहनां दे परिवार ने, उहनां दीआं स्पैशल जीवनियां जिहड़ियां ने, उह सानूं छुपवा के लोकां दे विच लजाणियां पैणगीआं। लोकां नूं दसणा पवेगा कि हाँ इह साडीआं मावां दा जिहड़ा हैगा उह रोल हैगा आ, तां ही असीं दस पावांगे। मैं खुद कहिंदी आ
ਅਸੀਂ ਨਾਇਕਾ ਨੂੰ ਪੜ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾਇਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਪੁਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਮਲਾ ਡਾਂਗੋਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਕੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਪਸੂ ਲੈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਔਰਤ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਆ ਔਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਭੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 50% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਲਟ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਮਰਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਈ ਰਹੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਈ ਰਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਦੁਖੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਪੇਸ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਲਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੰਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਔਰਤ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੋਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਰੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਗਦਾ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਇਸ ਲੋਕ ਭੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਆ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ
जिहड़ा सवाल हैगा असीं मावां दी कदर करिए भैणां दी कदर करिए जे असीं कदर करांगे तां ही असीं समाज नूं इक सार्थक सेध देवांगे। तुहाडा उपराला बहुत वधिया ते मैनूं लगदा इस उपराले तों सानूं वी सिक्ख्या मिली आ। असीं वी अपने इलाके दे विच इदां दे प्रोग्राम जिहड़े हैगे ने जरूर करवावांगे जिहदे विच साडियां शहीदां दीआं मावां नूं जिहड़ा हैगा याद कीता। सिर्फ याद करना ही नहीं हुंदा हैगा कि असीं रस्मी तौर ते उहनां नूं याद कर लिया जावे, तत् रूप दे विच जिहड़े उहनां दे गुण ने उह असीं अपनी बीबियां दे विच अपनीआं कुड़ीआं दे विच अपने विच किस तरह लै के आउणे ने साडे सामने बहुत वड्डा सवाल है। असीं तत् ना खोरीए ते उस तत् नूं उसे तरह बरकरार रखिए, ये असीं जरूर उपराला करांगे। मैं बहुत खुश हुई हाँ इत्थे आके क्योंकि मैनूं सच्ची मुची इस तरह यकीन लग रहा है जिवें मैं अज उस माँ की गोदी दे विच बैठी हाँ जिस माँ ने अपने पुत नूं जंडोरियां दे विच पता नहीं किस तरह के नगमे सुनाए ते उह पुत्तर जिहड़ा हैगा लोकां लई समर्पित हो गया। धन है माँ ते धन ने उह मावां। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अरविंदर कौर काकड़ा जी।